सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एन सी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेटा बिशप अप्पा स्वामी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से एक छोटा सा क्विज को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप उस क्विज को पास कर लेते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्विज है और सिंपल भी क्विज है। अगर आप उस क्विज को सॉल्व करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। देखिएगा मैंने इस क्विज को आज ही सॉल्व किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी मुझे आ गया है। ठीक है, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से आप क्विज को सॉल्व कर सकते हो और सर्टिफिकेट भी आप किस तरह से ले सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिएगा आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको आप अभी जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको एक लिंक दिखाई देगा। ठीक है, एक लिंक दिखाई देगा, आपके आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म दिख जाएगा। देखिए आपको किस तरह से फॉर्म दिखेगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सीधा लिंक को ओपन करना है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर बाद में बच्चे जो है मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये क्विज ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, बहुत से कमेंट पूछते हैं। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिए, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ये क्विज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अवेयरनेस क्विज ऑन कोविड-19, अभी तक जो भी आपने ट्रेनिंग लिया होगा, आईगॉट पे लिया होगा या कई जगह पे लिया होगा, तो उसके ऊपर आपको कुछ क्विज पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्विज है जो नेशनल कैडेट कोर बिशप अप्पा स्वामी की तरफ से ये क्विज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोयम्बतूर की तरफ से। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका पूरा नाम डालना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, पूरा बता रहा हूँ बेसिक से। ओके, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में आपका पूरा नाम डालना है, पार्टिसिपेंट नेम। ठीक है, कि इस तरह से मैं इसको ऊपर कर दूंगा, कैपिटल इसमें डालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेरा नाम, आप भी डालिए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। इस तरह से पूरा नाम डालना है आपको, क्लियर है? फिर यहाँ पे डालिए आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका चालू है वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, अनवैलिड ईमेल आईडी मत डालिएगा। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए पूरा बेसिक से, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए इस तरह से आपको जो है आपका जो जीमेल आईडी है उसको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, जो ईमेल जो चालू है उसी पे से आपको लॉगिन करना है, उसी पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, देखिएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो या किस कंपनी के हो, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो भी आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे डाल दूंगा VMV कॉलेज का, VMV कॉलेज डाल दूंगा, आपको जो लगता है आप यहाँ पे फिल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फिर आपको डालना है सिटी का, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का यहाँ पे आपको नाम डालना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए सिटी का नाम डालिएगा। तो मैं मान लीजिएगा मैं डाल दूंगा यहाँ पे भोपाल। ठीक है, यहाँ से ओके, फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो जो हो। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा दादा? ओके, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप जेंडर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डालना होगा आपका चालू मोबाइल नंबर, जो कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा 73, मिशन एनसीसी हेल्पलाइन नंबर 7385 28
1023, ये जो है मिशन एनसीसी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इस तरह से डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अवेयरनेस, ये जो क्विज़ होगी यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको 20 में से कम आपको जो है 16 नंबर्स तो इसमें लाना ही लाना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए, कम से कम आपको 16 नंबर लाना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, और सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पूरी चीज़ें, मैं पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन जो है मैं पूरा परफेक्टली नहीं करूँगा अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो स्कोर है वो 20 out of 20 है। तो यहाँ अगर मैं पूरा परफेक्ट अगर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके सही आंसर क्या है। ये टेस्ट आपको देना है, इसलिए आपको सही तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। मैं कुछ भी इस तरह से, मुझे जो लगता है कुछ भी आंसर को मैं सीधा राइट करते जाऊँगा। देखिए मैं जो कर रहा हूँ आप वो मत करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं जो मुझे लगता है कुछ भी ऐसे ही मैं करते जा रहा हूँ, ताकि ये इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए, ठीक है। जो भी मेरे अगर मान लीजिएगा पूरे रॉन्ग आंसर हो सकते हैं, तो आपको मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर उसी को राइट नहीं करना है। आप सोचिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर को क्लिक करना है। क्लियर है? ओके। देखिएगा हो सकता है कि ओके, उसके बाद जैसे आप 20 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर आपको करना है सबमिट पे क्लिक। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, देखिएगा इस तरह से जो है आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस, इट्स बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अगर आपका जो स्कोर है कितना आ गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू स्कोर पे क्लिक करो, ठीक है। बहुत हमें पता चलना चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने राइट आए, कितने रॉन्ग हुआ, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जैसे हम व्यू को स्कोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन राइट आए होंगे। ओके, क्लियर है? देख 6 क्वेश्चन आए शायद राइट। हाँ देखिए यहाँ पे जो है मेरा पॉइंट दिखा रहा है कि 20 क्वेश्चन में से मैंने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देखिए मैंने जल्दबाजी में जल्द इसको राइट किया है इसके ऊपर, ताकि मैं ये इस उद्देश्य से किया हूँ क्योंकि आप देख ना सके, ठीक है। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसलिए अगर सभी आंसर मैं ही बता दूंगा तो आप नहीं उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे नीचे अगर आओगे आपको, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या किस क्वेश्चन को राइट आपका आंसर है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी जैसे जैसे आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि आपने किस क्वेश्चन को राइट किया है, आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसका सही आंसर क्या है, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। क्लियर है डाउट यहाँ तक? अब बताएंगे कि आपका सर्टिफिकेट कैसे आता है। देखिएगा आपका जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 दिन भी लग सकता है उसको, 2 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है 5 मिनट में भी वो सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। क्लियर है? मुझे बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं है। कम से कम आपको 16 मार्क्स लेना है तभी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। 16 मार्क्स यहाँ पे वैसा बता के नहीं है कि कितना मार्क्स आपको चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, मुझे लगता है कि लेकिन आपको 16 या 17 मार्क्स 15-16 मार्क्स ऐसे तो भी यहाँ पे आपको क्विज में लाना है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आप अच्छे मार्क्स लाओगे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो जीमेल पे आता है, आपके जीमेल आईडी पे, उसको सर्टिफिकेट वो जो होता है वो आपका 5 मिनट में भी आ सकता है, 15 मिनट में भी आ सकता है, 1 दिन में भी आ सकता है या 2 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। जो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 5 मिनट में आया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह से जीमेल पे आता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैं मेरा जीमेल ओपन कर दूंगा, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैं जीमेल में आया हूँ, ये सुधाकर डीआर, मुझे लगता है कि ये एएनओ सर होंगे जो क्विज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको करेंगे ओपन सर्टिफिकेट के ऊपर, देखिए ये मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ मैं ये सर्टिफिकेट को, नहीं इसके ऊपर मैं पहले सर्टिफिकेट के लिए, चलिए मैं ये ओपन मेल को ओपन करके देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। देखिएगा इस तरह से मुझे एक मेल मिल गया है कि, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या इसको आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा कि मैं फिर से एक बार इसको डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्राइव पीडीएफ में इसको ओपन कर दूंगा। क्लियर है? देखिएगा ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा,
सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से। ये जल्द जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अच्छे मार्क्स भी लाना बहुत ज़रूरी है और क्विज़ को अच्छी तरह से सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर सर्टिफिकेट के रिलेटेड अगर कोई डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है 15 मिनट में, 5 मिनट में या 2 दिन में भी आ सकता है। अगर अगर आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, फिर से एक बार आपके जीमेल आईडी से दोबारा ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? दोबारा ट्राई कीजिएगा आपके जीमेल आईडी से। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।